तो ये देखें व्यूअर्स, ये वाला मैट्रेस मैं अब सोच रहा हूँ कि इसको लूँ या ना लूँ, क्योंकि हमारे घर में जो बेस बोर्ड पड़ा हुआ है वो डबल साइज़ का मैट्रेस है। डबल होता है 54 इंच बाय 72 इंच का बेस बोर्ड है हमारे पास। तो उसके लिए जो पहले मैट्रेस है वो थोड़ा घिसा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि एक फ्रेश मैट्रेस हो जाए। तो फ्रेश जो है ये वाला फिर होगा डबल साइज़ में। इसका साइज़ है 54 इंच बाय 72 इंचेस और इसकी हाइट है 10 इंचेस और ये मैट्रेस है $359.99 प्लस टैक्स का। लेकिन आप कोस्टको से लेते हैं तो 2% आपको कैश बैक भी मिलता है, और CIBC मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपको कैश बैक मिलता है, आई थिंक 2%। तो एक तो ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन हिना कह रही है कि उनको एटलीस्ट क्वीन साइज़ चाहिए, दैट इज़ गोइंग टू बी 60 इंच बाय 79.5 इंचेस। तो क्वीन साइज़ के लिए ना सिर्फ मैट्रेस आपको चौड़ा और लंबा चाहिए, बल्कि उसके साथ आपको बेस बोर्ड भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेड्स के फ्रेम्स के ऊपर ये बेस बोर्ड्स रखते हैं, ये मेटालिक बेस बोर्ड्स होते हैं, ये वाले, ये सारा पहले ये रखते हैं और इसके ऊपर फिर बेड आता है। ये देखें ये बेस बोर्ड है, इसके ऊपर बेड मैट्रेस रखा जाता है। तो ये बेस बोर्ड भी लेना पड़ेगा, बेस बोर्ड इटसेल्फ इज़ लाइक $129.99 और फिर जो डिलीवरी है ये मेरी थायोरा सियाना में तो नहीं आएगा, ना तो कोई मैट्रेस ना ही उसका बेस बोर्ड आने वाला है। सो इस वजह से उसके लिए फिर पिकअप ट्रक करना पड़ेगा, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम $150 अपवर्ड्स, या फिर ये है कि मैं costco.ca से मंगवा लूँ, घर पर डिलीवर करवा लूँ, लेकिन दैट विल ऑल्सो इंक्लूड द डिलीवरी कॉस्ट। एंड मैंने देखा था जस्ट द मैट्रेस विद डिलीवरी, मेरे ख्याल में दैट वाज अ डिफरेंस ऑफ, जैसे मैंने बताया था, $200। तो साथ में बेस बोर्ड भी लेना है, सो इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू $1,000 अगर आप क्वीन मैट्रेस लेते हैं विद बेस बोर्ड एंड गेटिंग इट डिलीवर टू योर होम। एंड देन उसके बाद ये भी है कि जब भी हम इस घर से मूव करेंगे तो अलग से ट्रक करवाना पड़ेगा जिधर भी मूव होते हैं, बिकॉज़ क्वीन आपकी सियाना में तो नहीं आ सकती, क्वीन मैट्रेस और क्वीन बेस बोर्ड। अब ये है जो एग्जिस्टिंग डबल मैट्रेस है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रेश की बात नए की बात अलग होती है। तो अगर नया लेना हो तो फिर ये वाला है, लेकिन हिना कहती हैं कि इस पे वो और जीनिया आराम से नहीं सो सकते, बिकॉज़ जीनिया बहुत घूमती फिरती रहती है सोते सोते, कभी वो ऐसे होती है, कभी वो ऐसे होती है, ऐसे होती है, सो एटलीस्ट क्वीन साइज़ इज़ रिक्वायर्ड। तो फिर यही है, डिस्कस करता हूँ जाके, हो सकता है कि मैं costco.ca से ऑनलाइन डिलीवर करवा लूँ घर पे। अब आराम से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, पैसे रख के क्या मतलब, आपको देखना चाहिए नींद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कंफर्टेबल नींद आनी चाहिए, सारे दिन मेहनत करने के बाद आपको ऐसा बेड चाहिए जिस पे आप आराम से सुकून की नींद सो सकें और स्पेस की कमी ना हो। तो उसके लिए बेस्ट स्लीपिंग एक्सपीरियंस के लिए मुझे लगता है कि मुझे costco.ca से ही मंगवाना पड़ेगा, वरना ये वाला भी वैसे डबल बहुत अच्छा था। और ये था किस, ये सीली का है, सीली का डबल है ये, और अगर और डबल्स में सिर्फ सीली ही है, अगर क्वीन में देखा जाए तो एक सीली का है 579.99, ये देखें ये इतना चौड़ा होता है, 14.25 इंचेस चौड़ा है ये, और 5 इंचेस वाइड है और 79.5 इंचेस लंबा है। और अगर कर्कलैंड का लेते हैं तो सीधा सीधा ऑलमोस्ट $420 मोर कॉस्ट है कर्कलैंड की, क्योंकि कर्कलैंड इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। ये इस तरह से इसमें पॉकेट्स बनी हुई है, कुशनड एंड पॉकेटेड है, तो ये चीज़ें, ये देखें ये कर्कलैंड का है, ये $1,000 का मैट्रेस है, समझ लें 2.25 लाख रुपए का। फिर देखते हैं, अगर तो क्वीन चाहिए तो वो तो घर पर डिलीवरी करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको सियाना पर लेकर जा सकें। मैं तो ये सोचा था कि मैं डबल ले जाऊँ, डबल के मैंने ये सोचा था कि क्वीन है वो साइज़ एक्चुअली, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी डबल। सो मेरे ख्याल में ये तो अपने काम का नहीं है। अच्छा मैं देख रहा था कि मैं एक पौधा ले लेता, और पौधे बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे मेरा दिल है एक पौधे के ऊपर,
कौन सा है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। ये वाला हिबिस्कस, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये वाला। और ये सीज़न के एंड तक लास्ट भी करता है, इसमें बहुत बर्ड्स निकलते हैं, बहुत कलियां निकलती हैं। मैं सोच रहा था कि ये वाला ले लूं, लेकिन इसमें ना मैं ये येलो कलर जो है ना, ये बहुत प्यारा है, ये देखिए ये वाला कलर ये ले लूं, लेकिन ये जी इतना महंगा क्यों है, $25 का। थिंग्स शुड बी दिस एक्सपेंसिव, $15 का होता ज़्यादा से ज़्यादा, $25 10-inch port hibiscus। It's definitely a very beautiful plant। तो आप अगर जानते हैं कोई चीप डिलीवरी सर्विस के बारे में या कुछ बेटर एडवाइस कर सकते हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट्स में, ख़ासतौर पे वो लोग जो कनाडा से देख रहे हैं मेरी वीडियो को। मैं क्या करूं, कम से कम ये जो है $1,000 का ख़र्चा है एटलीस्ट, सीली के मैट्रेस के साथ भी। और एक साल से हम लोग, आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे थे, अब क्यों अचानक से मैट्रेस की ज़रूरत पड़ गई। तो एक साल से हम लोग एयर बेड यूज़ कर रहे थे, जिसमें हवा भरते हैं पंप के साथ। तो वो एक दफ़ा यूज़ कर रहे थे तो मेरे ख्याल में वो पंक्चर हो गया कहीं से, फिर वो वारंटी में था, फिर नया हमें डिलीवर हुआ। अभी नए में से भी हल्की हल्की हवा निकल जाती है उसमें से। तो अब जाके ना, जब रात को है ना सो के सुबह उठती है तो कहती है कि शी इज़ एक्सपीरियंसिंग पेन, अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट कमर में। तो अब ज़रूरी हो गया है कि देखा जाए कोई ठोस मैट्रेस, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग मैट्रेस, या मतलब के फोम मैट्रेस या हाइब्रिड मैट्रेस, दैट्स व्हाई। अदरवाइज़ तो हम लोग गुजारा कर ही रहे थे। ये जेरेनियम्स मैंने पाकिस्तान में भी रखे हुए थे, मुझे फूलों का बहुत शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो अगर कहते हैं ना कि आपका कोई फेवरेट प्रोफेशन क्या है, अगर आपको चॉइस दी जाती कभी, तो मैं शायद गार्डनर बन जाता, या मैं प्लांट्स में, ये होता है ना जो प्लांट स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, जिनको पता होता है कि कौन सा प्लांट किस किस्म का है, कैसी टेम्परेचर और सॉइल में रखना चाहिए, और मतलब कि प्लांट्स में जिसने स्पेशलाइज़ किया हुआ होता है, प्लांट स्पेशलिस्ट। ये तो बहुत हाईली पेड होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं इनके, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ नॉन गोइंग थिंग, कॉन्स्टेंट आपको केयर करनी पड़ती है। तो अगर मुझे चॉइस दी जाती तो मैं वो बनता, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स यही हॉट टॉपिक्स होते हैं जब बच्चे मैट्रिक एफएससी में होते हैं, तो मैं फिर वही बना। ये वाला देखें कितना प्यारा है। तो अब डबल लेके जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ले जाऊँ आगे से फिर वो घर में एक्सेप्ट ना हो, फिर मुझे वापस दोबारा वापस लाने की पा। कॉस्को की कस्टमर सर्विस पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, वापस कर लेते हैं चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं है विदाउट एनी क्वेश्चंस, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे ख़ुद के लिए भी हैसल हो जाती है अगर हम शुरू में ही सही तरह से सोच के नहीं लेके जाते। कि देखें ये कितना खूबसूरत रंग है और कितना खूबसूरत पौधा है ये, है ना। ये देखें इसका रंग और खूबसूरती, अल्लाह की शान है हर चीज़ में, कितनी कितनी खूबसूरती है। लेकिन खूबसूरती निखर के आती है जब चीज़ों को सही प्रोपोर्शन में, सही कंटेनर में, सही कंपेनियंस के साथ लगाया जाता है, वरना तो वाइल्ड उगे। इसी तरह से इंसानों में भी खूबसूरती आती है जब वो अपने हुस्न अखलाक से काम लेते हैं और अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर चलने की बजाय, क्योंकि अगर नफ्स की ख्वाहिशों पर चलेंगे तो वो तो आपको, इट विल ड्राइव यू वाइल्ड एंड यू विल नॉट बिकम अ लाइकेबल पर्सन।
तो इसी तरह से अपने आप को भी काटना छांटना पड़ता है इंसान को, ज़रूरी है ताकि वो भी खूबसूरत लगे और फिर इंसान भी खूबसूरत लगते हैं अपने रवैयों से, अपने बिहेवियर से, अपने तौर तरीकों से। तो ये कुदरत का असूल है, हर चीज़ में काट छांट देख परख और ऑडिटिंग और कांस्टेंट जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेटिंग गोल्स एंड ट्राइंग टू अचीव, सेटिंग पॉजिटिव एंड हेल्दी गोल्स एंड ट्राइंग टू अचीव देम, ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा चीज़ें होनी चाहिए मरते दम तक, चाहे आप उम्र के किसी भी फेज़ में हैं। क्योंकि व्हाट मैटर्स इज़ कि आप ट्राई कर रहे थे, बाकी उसका कोई हासिल वसूल होता है या नहीं होता वो अल्लाह के फैसले हैं। इंसान का काम है कि वो कोशिश करे अच्छी से अच्छी चीज़ों के लिए, हाँ सुभान अल्लाह, और अपने आप को भी बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। तो जनाब ये पनीरी टाइप है, ये तो आप जिनके बड़े बड़े बंगले होते हैं उन्हीं के बाहर लगे हुए खूबसूरत भी लगेंगे, हम बेचारे किराएदार लोग हम खुश हो जाते हैं छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स के साथ। जैसे कल हमने स्नेक प्लांट लिया था, फिर उसका नीचे पूरा पॉट हमने चेंज किया, बड़ा पॉट रखा और फिर उसके ऊपर वाइट बजरी डाली ताकि वो खूबसूरत भी लगे, और वो हमने इंडोर रखा हुआ है। सो ये देखें ये वाला कितना खूबसूरत है ना, ये $30 का, इसको हाइड्रेंजिया कहते हैं, इसके बड़े प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, ये डार्क पिंक है, ये लाइट पिंक है, इसी तरह से इसमें ब्लू भी होता है। मैं जब पाकिस्तान में होता था मैं बहुत फैसिनेट होता था इन फूलों से, मैं कहता था पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं उगते, तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं उगते बिकॉज़ पाकिस्तान का सीज़न इज़ टू हॉट एंड ट्रॉपिकल फॉर दीज काइंड ऑफ प्लांट्स टू एग्जिस्ट। ये कैनेडा जैसे हल्के हल्के डेलिकेट डेलिकेट मौसम में फलते फूलते हैं। और ये इनकी मज़े की बात ये है कि ये एक तो चलते अक्टूबर तक हैं, अभी जैसे मई से अक्टूबर तक चलेंगे, उसके बाद भी जब ये ड्राई आउट भी हो जाते हैं, सूख सड़ जाते हैं, बर्फ़ पड़ी रहती है, नेक्स्ट ईयर जब बाहर आती है तो उसी जड़ से नया पौधा खिलाता है, आपको दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हर स्प्रिंग में दोबारा खिलता रहेगा खुद से। ये देखें ये वाले बास्केट्स कितनी प्यारी हैं, है ना, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, and the price is looking like a bomb. लेकिन जेरेनियम्स बहुत प्यारे होते हैं, ये पाकिस्तान में भी होते हैं, अगर आपने लगाने तो ज़रूर लगाएं, ये बड़ा प्यारा पौधा होता है, इस पर बहुत फूल उगते हैं गुच्छों में। मैंने रेड एंड वाइट एंड पिंक जेरेनियम्स रखे हुए थे अपने घर में। चलें अभी वक्त काफ़ी हो रहा है तो हम लोग चलते हैं यहाँ से। Let's go. ये डबल शेडेड प्लांट भी बहुत प्यारा है, रबर प्लांट, ये है $417, दिस वन इज़ डबल शेडेड, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला ले लेता हूँ। इसके नीचे एक बड़ा सा पॉट रख लूँगा तो ये इंडोर होता है, देखिए कितना खूबसूरत पौधा है ये वाला ले लेते हैं, का पॉट मैं चेंज कर दूंगा, बड़ा सा ले लूंगा कोई। आई जस्ट नीड टू कंफर्म दैट इट्स एन इंडोर प्लांट, सो दैट विल बी गुड डन। हेलो हेलो, इज दिस एन इंडोर प्लांट? इट कैन हैव इट इंडोर, यस। ओके, लाइक टोटली इंडोर? For indoor, yes. Yeah. Thank you. इसमें मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा वाला ले लूँ, सबसे बड़ा यही है, सबका सेम साइज है।
Or maybe I have a bigger one. नहीं ये साइज है बस ये ठीक है ये वाला ले लूँ या ये वाला ले लूँ एक ही बात है एक ही जैसे ये ज़्यादा प्यार लग रहा है तो इसको मैं इंडोर रखूँगा अपने पेट के साथ क्योंकि ये बहुत प्यारा पौधा है ये रबर प्लांट का भी मुझे बहुत शौक है मैंने पाकिस्तान में भी रखा हुआ था तो चले बस अब चलते हैं होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बस इसी तरह से अब मैं डेली वीडियोस बनाया करूँगा इंशाल्लाह क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा टॉपिक हिट है कौन सा इन डिमांड है कोई भी वीडियो चढ़ जाती है और जिसको मैं समझता हूँ कि ये इन डिमांड टॉपिक है वो वाली नहीं चढ़ती सो अब मैं करूँगा ये कि बस जो मेरी लाइफ है सो है मैं आपको डेली इसी तरह से दिखाता रहा करूँगा इंशाल्लाह होपफुली आपको पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दिया करें आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़